एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 का ये टॉपिक है, उसमें हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एक तो आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, और दूसरा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो स्क्वायर रूट में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1 का जब स्टार्ट किया था उसमें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर काफी डिटेल से आपसे बात की थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे भी मैं अभी बता देता हूं कि अलजेब्रा के अंदर मुख्तलिफ एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं। लेट्स सी, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 3y + 9 = 0। ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इस मुराद ये है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोफिशिएंट भी नजर आ रहे हैं, आपको वेरिएबल भी नजर आ रहे हैं, और कांस्टेंट टर्म भी नजर आ रही हैं। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और उसके अलावा कोफिशिएंट को मुख्तलिफ जो ऑपरेशन है या ऑपरेटर के साइन है, प्लस के, माइनस के, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, उन सब से मिलके जो एक एक्सप्रेशन तैयार होता है, जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, असल जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने स्टार्ट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा गाइड कर दिया है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट को अगर गौर से देखें तो ये भी यूनिट 2 में काफी डिटेल से बात की है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है स्क्वायर और एक होता है रूट। स्क्वायर से क्या मुराद है, रूट से क्या मुराद है, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट से क्या मुराद है। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, आपसे कोई भी कहता है कि आप स्क्वायर ले लें, यानी कि 5 का स्क्वायर लें, ठीक है, 5 का स्क्वायर लेंगे, यानी 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये होगा 5 × 5, तो ये आपके पास आएगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25। अगर आपसे कहता है कोई 7 का स्क्वायर लें, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 7 × 7, ये आपके पास आ जाएगा 49, ठीक है, ये तो मुख्तलिफ नंबर्स का स्क्वायर हो गया। अगर आपसे कोई कहता है x का स्क्वायर ले लें, ठीक है, x का स्क्वायर होगा x होल स्क्वायर, x जो है वो दो दफा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, x जो है वो दो दफा मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही आएगा, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं रूट की, ठीक है, ये वाला जो साइन आपने कई दफा मैथ के क्वेश्चन में देखा होगा, आप इन क्वेश्चन में भी देखेंगे, बेसिकली ये जो साइन है वो स्क्वायर रूट का साइन कहलाता है, ठीक है, ये वाला जो साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसको 1/2 भी लिखते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू जो है 1/2 भी लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो ये स्क्वायर रूट का साइन है और इसका जो आंसर है 1/2 है। अब बात करते हैं कि स्क्वायर और रूट के, स्क्वायर के बाद यानी किसी भी नंबर का, वो कहते हैं 25 का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट लें। हम 25 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, हम इसको लिखेंगे 25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम इसको लिखेंगे 5 × 5, ठीक है, ये 5 × 5, और फिर इसको ऐसे लिख देंगे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जैसे कि मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर और ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये क्वेश्चन हमें हम ऐसे ही कैंसिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि इसको ऐसे कैसे कैंसिल करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 √2, यानी 1/2 स्क्वायर रूट का साइन है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला जो 2 है ये यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। यानी अगर 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, और 25 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास 5 आता है। तो इस छोटी सी जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों वर्ड जो है आपस में अपोजिट है। कोई भी नंबर उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर आएगा उसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे दोबारा आपके पास वही आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया भी है, इस 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया, 49 का दोबारा से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा,
तो इस तरह x का भी है, x का स्केयर लेंगे तो x स्केयर आएगा, x स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। तो उम्मीद है कि स्क्वेयर और रूट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और इनको हमने फाइंड कैसे करना है। ये पिछली क्लासेस में काफी डिटेल से आपने समझा हुआ है, यूनिट 2 के ऊपर भी मैंने काफी डिटेल से आपको इसके बारे में बात की है। तो स्क्वेयर रूट जो है अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्लास 8 का जो यूनिट 2 है उसमें भी स्क्वेयर रूट का एक पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल से बात की है। अब जब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी आपने ये अब तो मैंने नंबर्स वाला बताया आपको, ठीक है, नंबर्स का आप नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि मुख्तलिफ किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपने स्क्वेयर रूट फाइंड करने हैं। और स्क्वेयर रूट फाइंड करने के दो मेथड जो एक्सरसाइज 6.3 में आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, स्क्वेयर रूट जो है बाय फैक्टराइजेशन भी फाइंड की जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर 2 उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है या दूसरा मेथड जो है, ठीक है, दूसरे मेथड में हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हम जो स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ये सारा मेथड और इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको डिटेल से समझेंगे और साथ साथ स्क्वेयर रूट का भी मैंने बता दिया और फैक्टराइजेशन जो है ये भी अब यूनिट 5 में और यूनिट 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करते आ रहे हैं और उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम जो है स्क्वेयर रूट जो है उनको भी फाइंड करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, स्क्वेयर रूट के बारे में काफी डिटेल से आप जान चुके हैं, एक्सप्रेशन के बारे में काफी डिटेल से जान चुके हैं, फैक्टराइजेशन जो है वो भी हम यूनिट 4, यूनिट 5 और इवन यूनिट 6 में भी फैक्टराइजेशन ही करते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज और मुख्तलिफ किस्म की ट्रिक्स जो है वो हमने इस्तेमाल किए, उन्हीं को बारी बारी डिस्कस करेंगे और रिपीट करेंगे। तो इसका पार्ट 1 है 4x² - 12xy + 9y², ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इकट्ठे सॉल्व किए हैं, दोनों बारी बारी, एक अलहदा मेथड से फैक्टराइज किया और दूसरा अलहदा मेथड से फैक्टराइज किया। दोनों मेथड में से जो आपको मेथड आसान लगता है वो आप दोनों में से किसी भी एक पे अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी एक मेथड जो आपका फेवरेट है वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने दोनों मेथड से इनको सॉल्व कर दिया। पहले 4x² - 12xy + 9y², तो अब आपने इसमें क्या करना है, पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 9 4s = 36, 36x² y², इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना कहते हैं। ये जो मिडिल टर्म है इसको अपने ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने का मेथड क्या है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में काफी डिटेल से डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर यहाँ पे समझ ना आए तो वीडियो जरूर देखिएगा जाके। तो 9 4s = 36 + 36x² y² नीचे मैंने दो इस तरह इसकी टांगे बना दी हैं, वो इसलिए कि इसके दो पेयर लेने हैं, दो पेयर लें उनको मल्टीप्लाई करें तो +36x² y² आए, और उन नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो आपके पास 12xy भी आना चाहिए। वो दो नंबर है -6xy - 6xy, ये ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। इनको फाइंड कैसे करते हैं, इनको फाइंड करना बहुत आसान है, अगर आपको ना समझ आए तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 काफी जरूर देखिएगा, उसमें काफी डिटेल से इस पे बात हो चुकी है। तो माइनस, अब पेयर आपने ढूंढ लिया, दूसरा मसला ये पैदा होता है साइन कौन सा लगाने हैं, साइन कौन सा लगाना है, यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ देखिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन, इनमें से जो बड़ा नंबर हो उसके साथ लगा दें। यहां पे दोनों बराबर है तो जिसके साथ मर्जी है माइनस लगा दें, लेट्स सी इसके साथ माइनस लगाते हैं। यहां पे माइनस लग गया, अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस का साइन आएगा, तो इधर भी आपने माइनस ही लगाना है, माइनस माइनस प्लस करेंगे 6 + 6 = 12xy आएगा और साइन माइनस का लगेगा। तो एक साइन अगर पता चल जाता है दूसरा साइन आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, -12xy के पेयर की फॉर्म में लिखेंगे -6xy - 6xy, दोनों में से जो पेयर आपको मिलते हैं उनमें से जो मर्जी पहले लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपके पास चार टर्म बन गई हैं, इनको दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं। ये अलहदा पेयर बना लिया और आपने ये अपने अलहदा पेयर बना लिया, ये भी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की फैक्टराइजेशन आपने की है, यानी कि जो जितनी भी फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में है, ये जो चीज आपने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी है। तो अगर वो एक्सरसाइज आपने नहीं अच्छे तरीके से समझी हुई और अगर वो आपको नहीं आती तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएंगे, उनको पहले समझें तब आपको ये समझ आएगी। यहां से देखें
तो टू कॉमन है, टू मैंने कॉमन ले लिया, साथ एक्स भी कॉमन है, तो टू एक्स कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई। तो कॉमन लेना भी क्लास एट में, और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कॉमन लेना भी हमने सीखा हुआ है। तो कॉमन लेना भी आपको अगर नहीं आ रहा, तो कॉमन लेने में मसला आ रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन लाजमी देखिएगा। अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस, बाहर कॉमन लेंगे 9 और 6 में, तो 3 कॉमन आएगा, y दोनों में है, y मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2x माइनस 3y, बाहर माइनस था, अंदर साइन चेंज हो गया, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों टर्म सेम है। अगर तो दोनों टर्म सेम है, इससे मुराद है कि आपने जो पेयरिंग की है वो बिल्कुल ठीक है। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप गौर से देखें तो दोनों एक जैसी टर्म है, दोनों अगर एक जैसी टर्म है, अगर आपके पास लिखा हो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इसको 4 का स्केयर भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह इनको मैं स्केयर की फॉर्म में लिखूंगा, 2x माइनस 3y होल स्केयर इसको लिख लेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द स्केयर रूट, आपने स्केयर रूट फाइंड करना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे ऑन बोथ साइड पे लिख लीजिएगा या टेकिंग स्केयर रूट लिखें। स्केयर रूट किसका लेना है, 4x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर का स्केयर रूट लेना है, इसको मैंने पहले लिखा हुआ है, बाद में हमारे पास जो आया 2x माइनस 3y होल स्केयर आया, ठीक है। दोनों का स्केयर रूट का साइन जो है, स्केयर रूट का साइन के बारे में भी वीडियो के शुरू में मैंने बात की है, ये आप लगा देंगे, ये मैंने इधर भी लगा दिया, ये मैंने इधर भी लगा दिया, ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये आपने खुद से लगाना है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ फाइंड द स्केयर रूट, स्केयर रूट फाइंड करना है, तो ये साइन लगा के ही आप फाइंड कर सकेंगे। तो इसका आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, इसका जो स्केयर रूट है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट के साथ 2 का साइन कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कैसे होता है, इस स्केयर रूट का जो साइन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो ये रिमूव करके अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 1/2 लिखें, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 लिखेंगे, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इतनी डिटेल में क्लास 9 में हम नहीं समझाते टीचर, क्योंकि ये चीज बच्चों ने पिछली क्लास में पढ़ी होती है, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक दफा बता दिया है कि ये 2 इस 2 से कैसे कैंसिल होता है, ये इसकी जो वैल्यू है 1/2 होती है, इसकी जगह एक और स्टेप बढ़ा लें, मल्टीप्लाई 1/2 करके फिर कटिंग कर लें, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व फिर भी हो जाएगा। तो अभी आपका जो कैंसिल होने के बाद आंसर है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इसका स्केयर रूट है, जो कि अपने फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए सॉल्व किया है। इसके साथ प्लस या माइनस का भी साइन लगाया जा सकता है, यानी जब भी स्केयर रूट लेते हैं किसी नंबर का, तो प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि बुक के मैंने लास्ट पे देखा है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया उन्होंने, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, तो इससे मुराद ये है कि ये जो चीज है, यूनिट 7 में हमने काफी डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक को कि साइन प्लस माइनस का क्यों लगता है, अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये यूनिट 7 जब स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अब जरा गौर से देखें तो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन तो की है, लेकिन इसमें तीन जो तरह की फैक्टराइजेशन है वो हमने बारी बारी डिस्कस की है, पहले ये वाली की है, इनकी पेयरिंग की है, इसके ऊपर लेदर से क्वेश्चन है, फिर हमने इनकी चार टर्म बन गई है, चार टर्म को हमने सिंपलीफाई किया है, यानी कि 2 को अलहदा सॉल्व किया, 2 को अलहदा सॉल्व किया, इसके ऊपर अलहदा से क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको भी हमने डिटेल से समझा है। इसके अलावा यानी कि आपने उसके अलावा एक कॉमन, ठीक है, तीसरी बात है कि कॉमन भी लिया है, कॉमन लेने के ऊपर यूनिट 8 क्लास 8 में और एक्सरसाइज 5.1 में काफी डिटेल से, यानी कॉमन लेना, इसके अलावा जो चार टर्म आ जाती हैं इनको भी सॉल्व किया है, और उसके बाद जो ये फैक्टराइजेशन किया, तीन तरह की जो फैक्टराइजेशन है एक ही क्वेश्चन में डिस्कस की है, तो अगर आपको तीन में से किसी एक में मसला आ रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बन सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 काफी डिटेल से मैंने समझा दिया, काफी डिटेल से इसके ऊपर बात भी हो गया। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि आसान है। इसके आगे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको आप इससे परेशान नहीं होना, ये स्टेटमेंट है कि यानी जो नीचे x है उसका आंसर 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 0 0, तो ये गलतियां से बात है, इसकी जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे परेशान नहीं होना। अब मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, a माइनस बी होल स्केयर, ठीक है, a माइनस बी होल स्केयर, ये फॉर्मूला भी
क्लास ऑलमोस्ट 7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2 इनटू इनटू ab प्लस b स्क्वायर तो इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, प्लस में भी अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां पे भी आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करके इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, ये वाली टर्म जो है ये पता कैसे चलेगा ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो सकता है। पहली बात, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इसको दूसरी किस्म से सॉल्व किया है, इसको एक अलग टाइप से फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। कैसे पता चलेगा, अगर पहली और आखिरी टर्म आपका किसी ना किसी नंबर का अगर स्क्वायर बन रहा होता है, जैसे कि 9 है 3y का स्क्वायर बन रहा है, 4x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बन रहा है, 2x होल स्क्वायर, पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर बन रही हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला उस पर ट्राई कर सकते हैं कि फॉर्मूले की कंडीशन हमारी पूरी होती है कि नहीं होती। कैसे, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो मैंने 1 ओवर 2x होल स्क्वायर कर दिया, यानी इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है, इसको भी लिख दिया है, माइनस टू फॉर्मूले का जो यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे आएगा a आपका क्या है, ये आपका x है, ठीक है, a जो आपका x है, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैंने भी जगह भी छोड़ी हुई है, यहाँ पे क्या आएगा b आपका क्या है 1 ओवर 2x, तो इसको मैं 1 ओवर 2x कर दूंगा। अब मैंने a और b को लिख दिया, अब जरा आप गौर से देखें तो इधर इसको ये वाली चीज बनानी है आपने, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, यानी ए स्केयर ये प्लस बी स्केयर ये माइनस टू ए बी 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे 1 नहीं आ रहा, 1 कैसे आएगा, इस ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपने चेक करना है कि ये जो चीज आपकी यहाँ पे मिडिल टर्म बन रही है कि नहीं बन रही, अगर तो बन रही है फिर आपने फॉर्मूला बड़े बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर दिया है, तो आपका फॉर्मूला भी ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, इनकी कटिंग नहीं करनी, ये बस आपके चेक करने के लिए, तो उसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे ए माइनस बी होल स्केयर। जैसे कि मैंने x माइनस 1 ओवर 2x का स्केयर लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, ये इसका दूसरे फॉर्मूले के जरिए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब अगेन लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, इसका भी स्केयर रूट लेंगे, इसका भी स्केयर रूट लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्केयर का भी स्केयर रूट नजर आ रहा है, और जो हमारा आंसर है एक्स माइनस 1 ओवर 2x होल स्केयर का भी मैंने स्केयर रूट लिया है, ये वाला स्केयर रूट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला इससे अलग अलग आपने कैंसिल नहीं करना, पकड़ के इसको भी कैंसिल कर दें और इसको भी कैंसिल कर दें, इस तरह कैंसिल नहीं होता, नहीं इसके ऊपर बात अलग से हो जाएगी, यूनिट 7 है उसमें बात कर लेंगे। यहाँ पे मैं बात करके आपको मजीद जो है किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता कि आपने यहाँ पे अलग क्यों नहीं हो सकता, बस ये याद रखें कि ये होल स्केयर इससे कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर है, और यही आंसर आपका बुक के जो लास्ट है उसके ऊपर मैंने समझाया हुआ है और बल्कि देखा है और वही वो आंसर है, यहाँ पे प्लस माइनस का जो साइन है उन्होंने नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने काफी डिटेल से समझाया है, शायद अब कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे हैं मैथ के अंदर वो बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन जो कुछ बच्चे वीक हैं जो मैथ में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए मैंने ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसके दो पार्ट है उनको काफी डिटेल से करवा दिया है, फैक्टराइजेशन के लिए भी करवा दिया है और जो फॉर्मूला भी कंप्लीट करके करवा दिया है। उम्मीद है ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 काफी अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं, तो बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके लिए किसी किस्म का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आपके पास 1/16 x² माइनस 1/12 xy मल्टीप्लाई बाय 1/36 y स्क्वायर। पहली बात तो ये आप 1/16 x² लिखा हुआ, ये x स्क्वायर ऑलमोस्ट समझे ऊपर ही है, x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर ही आएगा, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे साइड पे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी जो है पार्ट 2 में जिस तरह हमने सॉल्व किया उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी आसान हमसे फैक्टराइज हो जाएगा, फॉर्मूला भी यही अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्केयर माइनस है दरमियान में, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्केयर, यानी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर।
अब उस फॉर्मूले के अंदर इस एक्सप्रेशन को पुट करते हैं। ये मैंने साथ इसके लिखा हुआ है कि साथ साथ आपको बताता जाऊं। इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में आप अलग लिख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, अंदर भी लिखने से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइड पे लिखना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक स्टेप सर ने बढ़ा दिया है, तब इसको साइड पे भी लिख सकते हैं। ये आपको बेसिकली समझाने के लिए ए स्केयर है, तो आप देखेंगे पहली जो टर्म है 1/16 एक्स स्केयर, किसी का स्केयर बन रही है 1 का स्केयर 1, 16 का जो है 4 का स्केयर होता है, और एक्स स्केयर होगा। हम लिखेंगे एक्स मैंने ऊपर लिख दी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स और 4 होल स्केयर कर दिया है। इसको ओपन करेंगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद है प्लस प्लस 1/36 वाई स्केयर है, तो इसको भी जो है वाई को ऊपर लिख दें, 36 किसका स्केयर होता है जी 6 का है, तो वाई और 6 होल स्केयर कर देंगे। ये आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2, टू फॉर्मूले वाला ए और बी इधर लिखना है। ए और बी मैंने पहले नहीं लिखा था, अब आपके सामने लिखता हूं। ए आपका क्या है यहाँ पे, ए आपका यहाँ पे ए एक्स ओवर 4, एक्स ओवर 4, और बी क्या आपका यहाँ पे वाई ओवर 6। ठीक है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स, जहां जहां ए आ रहा है वहां पे एक्स ओवर 4, जहां पे बी आ रहा है वाई ओवर 6 लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे लिखेंगे एक्स ओवर 4 और वाई ओवर 6 यानी ए बी, तो यहां पे लिखा है माइनस 1/12 एक्स वाई, और यहां पे आ रहा है माइनस 2 इंटू ए बी यानी एक्स ओवर 4 और वाई ओवर 6। अब इनकी अगर कटिंग करें, कटिंग आपने क्वेश्चन में करनी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, ये बनता है माइनस 2 माइनस 2 एक्स वाई, और नीचे आएगा 6 4 जार 24। ठीक है, ये आता है, तो 2 1 जार 2, 2 12 जार 24 रहता है, तो माइनस 1 ओवर 12 एक्स वाई ये आपका बन जाएगा। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है माइनस 1/12 एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा भी माइनस 1/12 एक्स वाई बन रहा है। यहाँ पे मैंने इसलिए कटिंग नहीं की, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये लहजा से आपको बता दी है। ये क्वेश्चन को वेरीफाई करने का तरीका है कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया इस पैटर्न के ऊपर। तो अब इसको जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी होल स्केयर, यहाँ पे माइनस है इसलिए दरमियान में माइनस है। अब इस पे लिखेंगे ए माइनस बी होल स्केयर यानी एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6 का होल स्केयर आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि स्केयर रूट लेना है तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड कौन सी है, एक ये वाली साइड है और आपके पास एक ये वाली साइड जो आंसर है, ये इन दोनों को मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के तौर पर लिख लिया, दोनों के ऊपर स्केयर रूट आपको नजर आ रहा है। इसका हमने स्केयर रूट लेना है, इसका स्केयर रूट रिमूव नहीं करेंगे, इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। इसका जो स्केयर रूट है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो स्केयर है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6। ये कैसे कैंसिल होता है इसके ऊपर हम काफी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है उसका यही आंसर है एक्स ओवर 4 माइनस वाई ओवर 6। इस पे देखा कि आपने मुख्तलिफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर आपको फार्मूला सही तरीके से आते हैं, जो मेथड आपने पढ़े हैं फैक्टराइजेशन आपको करना आती है, तो फ्रैक्शन में कर दें या फ्रैक्शन के बगैर हो, तो ये अच्छे बच्चों के लिए है जिनको ये चीजें आती हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। इसलिए जब भी किसी चीज को समझें, फार्मूलाज को समझें, फैक्टराइजेशन को समझें, तो बेसिक्स उसकी समझा करें कि बात बेसिकली क्या हो रही है और किस तरह उसको सॉल्व करना है, फिर जिस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 आपके पास 4 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 12 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर। इस क्वेश्चन को भी पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, स्केयर का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। अब और से देखें तो ये पहली टर्म 4 भी 2 का स्केयर है और ए प्लस बी होल स्केयर है, जे वाली टर्म भी देखें 9 3 का स्केयर है और ए माइनस बी होल स्केयर है, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी। ठीक है, क्वेश्चन को समझे जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें वैसे यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें जो टर्म्स हैं यहाँ पे पहले एक होती थी वेरिएबल, अब यानी ए और बी इधर भी कर दिए, ए और बी इधर भी कर दिए, जैसे इधर चेंज किया है तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। क्वेश्चन आपने अगर पिछले अच्छे तरीके समझे हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए समझ मसला नहीं है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 पर आए हैं तो फिर आपको ये शायद मुश्किल से समझ आए, तो आप दोबारा जो पहले वाले क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उनको जरूर समझें। अब जरा देखें ये पहली टर्म 4 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, मैंने इसको 4 को 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर इस वक्त जो है सिर्फ ए प्लस बी होल स्केयर के ऊपर है, 4 के ऊपर स्केयर नहीं है, तो मैं इसको भी स्केयर के अंदर ले आया हूं। स्केयर के लिए अंदर लाने के लिए यहां पे 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां इस पे 2 लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज करके मैंने ऊपर स्केयर लगा हुआ है, इससे मुराद यही है कि 2 का स्केयर जो है 4 है। तो 2 इंटू ए प्लस बी ये वाला, यानी अब पहले ए प्लस बी सिर्फ स्केयर के अंदर था, अब
ये वाला जो 4 है अभी 2 में आके 2 का स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर के अंदर आ गया, प्लस इस इधर भी यही किया है 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी ये वाला है यहाँ पे है प्लस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है बिल्कुल जैसे ये स्टेप किया है वैसे स्टेप ये किया है। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 फॉर्मूले का और ए बी यहाँ पे आएगा, ए आपका क्या है ये वाला जो पूरी की पूरी टर्म है उठा के आप यहाँ पे लिख दे 2 इंटू ए प्लस बी, और ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये आपका बी है, यानी कि ये आपका बी है और ये आपका इस क्वेश्चन में ए है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इनको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा माइनस 2, अब ये आपका 2 इंटू ए प्लस बी ए और 3 इंटू ए माइनस बी ये आपका बी, ये आपका फार्मूला आप जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला आया कि ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि ये माइनस 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बनना चाहिए, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, दरमियान में 3 2 2 4 2 2 4 4 3 12 ये मैंने 12 लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये वाला फार्मूला आप काफी डिटेल से जानते हैं, पढ़ा भी हुआ आपने कि इनको ए एक दो प्लस में एक दो माइनस में हो, तो ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दो प्लस में एक दो माइनस में हो तो आप इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यही मैंने किया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो 2 to the 4, 4 3 12 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यही चीज जो आपकी बन गई है, इसलिए जो फार्मूला आपने अप्लाई किया है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो फार्मूला आपने अप्लाई किया यहां तक आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फार्मूला क्लोज कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, तो इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अगर ऐसे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इसको क्लोज करके a माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि ये मैंने कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर इसको लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को अंदर करेंगे 2a हो जाएगा, 2 को b से करेंगे प्लस 2b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 3b हो जाएगा, बाय माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यह देखिए 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b होल का स्क्वायर, 2a में से माइनस 3a माइनस करेंगे तो माइनस 1a आ जाएगा और 2b में प्लस 3b ऐड करेंगे तो प्लस 5b होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका जो फार्मूला अगर क्लोज किया हमने तो माइनस 1a प्लस 5b होल स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा नजर आपको आ रहा है लेकिन जब इसको क्लोज किया तो कितना छोटा हो गया, वही काम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायर लेना है पहले क्वेश्चन लिख लें जैसे कि ये मैंने पूरे का पूरा लिखा हुआ है, उसके बाद जो आंसर आया इसका यहाँ से मैंने 1 अब हटा दिया है, सिर्फ माइनस ए प्लस 5b लिखा हुआ है, 1 लिखना चाहिए तो लिख लें लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे से भी आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये वाला जो 2 है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मैंने माइनस दरमियान में कर दिया और 5b को पहले कर दिया 5b माइनस a, क्योंकि क्वेश्चन के बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर है उसी तरीके से लिखा हुआ है, साथ प्लस माइनस लिखना चाहे तो लिख लें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी इससे कोई मसला नहीं है, तो यही आपका आंसर है। वैसे इसको माइनस ए प्लस 5b भी लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन 5b माइनस a भी आपका आंसर ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अब आसानी से समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो पहले 3 क्वेश्चन है उनको समझें, फिर ही आपको क्वेश्चन आराम सुकून से समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, पार्ट 5 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। 4x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 9y की पावर 6 डिवाइड बाय 9x की पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16y की पावर 4, यानी कि आप समझ लें इससे पहले जो क्वेश्चन थे आपने 25 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है 25 का स्क्वायर रूट आपके पास जो है वो 5 आता रहा जिस तरह हमने इससे पहले आंसर किए हैं। अब आपने जस्ट ये करना है, आपके पास आ गया कि 25/49 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि फ्रैक्शन में आ गए तो फ्रैक्शन में आपने परेशानी होना, जैसे इसका फाइंड किया था तो हम जो है इसका अलहदा फाइंड कर लेंगे, इसका अलहदा फाइंड करेंगे। 25 का आपके पास आ गया 5 और 49 का आपके पास आया 7, तो
तो ये इसको जिस तरह फ्रैक्शन में फाइंड किया है, एक स्क्वायर रूट फाइंड किया है, यहाँ पे अब दो स्क्वायर रूट फाइंड करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर का अलहदा न्यूमिनेटर का अलहदा, और इनको अलहदा ऐसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि एक सवाल के अंदर दो क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसमें ऊपर अलहदा सॉल्व करना है, नीचे अब जो है अलहदा सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है आराम सुकून से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखें पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर बन रही है, 4x की पावर 6 प्लस 9y का y स्क्वायर, तो हम इसको 4x की पावर 6 को, ठीक है, 4x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं 2x की पावर 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर है, अब ये नहीं कि यहां पे 6 है या क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हमने स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इन क्वेश्चन में स्क्वायर्स के ही फार्मूला अप्लाई होंगे, तो क्योंकि x की पावर 6 है ऊपर में स्क्वायर लिखना है, हर सुनो यहां पे स्क्वायर लिखना है, तो x को यहां पे पावर 3 करूंगा, तो 3 2 = 6 आपके पास हो गया, यानी पावर्स के ऊपर पावर लगी हो, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x की पावर 6 को मैं 2x की पावर 3 होल स्क्वायर कर लूंगा, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है, प्लस 9y की पावर 6 है, इसको मैं 3y की 3 की पावर 2 कर लूंगा, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म होने वाला, a और b यहां पे लिखा हुआ है, a आपका 2x की पावर 3 है, b आपका 3y की पावर 3 है, इन सब को ऑल करें 2 2 = 4 4 3 = 12 12x की 3 y की 3 माइनस 12x की 3 y की 3 सेम है बिल्कुल, आपने यानी ऊपर जो है न्यूमिनेटर में ये फार्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है, नीचे भी इसी तरह करेंगे, 9x की पावर 4 है, तो 9x की पावर 4 को मैं लिख लूंगा, यानी कि ये आपके पास 9x की पावर 4 है, इसको लिखेंगे 3x की पावर 2 का स्क्वायर, यानी ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, यहां पे 3 है, 9 का स्क्वायर 3 है, और x की 2 को 2 कर दिया, यहां पे लिखेंगे 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b, b जो है 16 है, 4y की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लस फॉर्मूले वाला a और b लिखेंगे, 2 a 3x स्क्वायर है, b आपका 4y स्क्वायर है, 4 3 = 12 12 2 = 24 प्लस 24 x स्क्वायर y स्क्वायर आपका आ गया, यानी कि यहां तक आपका स्टेप बिल्कुल ठीक है, आपने फॉर्मूला जो है बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसको मैं इकट्ठा करके लिख लूंगा, a माइनस b होल स्क्वायर यानी 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 होल स्क्वायर, और 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर है, तो ये भी आपका a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, अलग 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 दिए, एक नया स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो करना पड़ा वो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों स्क्वायर में, तो मैंने इकट्ठा इनके ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया। ये भी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 5/7 यानी 7 के ऊपर अलहदा स्केयर लगा हुआ है और 5 के ऊपर आपने अगर अलहदा स्केयर लगाया हुआ है यानी नोमिनेटर पे अलहदा स्केयर है नीचे अलहदा स्केयर है तो हम इसके ऊपर 5/7 इकट्ठा जो है स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये हमने बेसिकली अपनी आसानी के लिए जो है इनके ऊपर इकट्ठा एक स्केयर लगा दिया। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से भी ये बात समझा दी है। तो ये 2x पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर को इकट्ठा x स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। आप इसके व्हाइट बोर्ड के दूसरे सिरे की तरफ चलते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्वेश्चन है और ये उसका स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ये वाला जो क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है ये वो वाला स्क्वायर रूट है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा ये भी आप जानते हैं, ये बच गया आपके पास 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस माइनस 7 लिखना चाहिए, अगर नहीं भी लिखते हो तब भी ठीक है। तो ये आपका इस तरह इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आपके पास ये वाला आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, बस जस्ट जो थोड़ा बहुत फर्क था वो मैंने एग्जांपल के जरिए आपका क्लियर कर दिया है, अब मजीद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 आपके पास x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ओवर x, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व नहीं किया। सबसे पहले एक बात बताता चलो, अगर आपने पार्ट 5 तक अगर इससे पहले वीडियोस नहीं देखी, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं, तो सबसे पहले वो वीडियोस देखें, देखेंगे उनको समझेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना ये क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में इससे पहले जो हम फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, ये वो वाला फार्मूला जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है
ठीक है, तो यहां पे भी माइनस आ जाता था। ये वाला फॉर्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो आपको तीन टर्म नजर आ रही है, ठीक है, तीन टर्म नजर आ रही है। इस क्वेश्चन में देखें, एक ये वाली टर्म है, ठीक है, और एक ये वाली टर्म है, दो टर्म नजर आ रही है, तीसरी टर्म मिस है पहली बार, ठीक है, कि तीसरी टर्म मिस है। और दूसरी बात जो इस क्वेश्चन में हमने बतानी है या चेक करनी है या फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म मिस है, ये वाली मिस है, ये वाली मिस है, ये वाली मिस है, ठीक है, इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, हम बारी बारी इन क्वेश्चन को के आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पे एक टर्म है, सॉरी दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है। एक बात तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे तीसरी जो टर्म है मिस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म मिस है, ये वाली मिस है, ये वाली मिस है, ये वाली मिस है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां पर भी आपको दो टर्म नजर आ रही है, ठीक है, दो टर्म नजर आ रही है, तीसरी टर्म आपके पास मौजूद नहीं है। तो तीसरी टर्म को हम फाइंड कैसे करते हैं, हम क्या लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू, यहाँ पे पहली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी टर्म आएगी बी जो कि हमें मालूम ही नहीं है, और यहाँ पे उस टर्म का यानी बी का स्केयर आ जाएगा। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस टू इंटू, यानी अगर यहाँ पे टू ए बी बनाना चाह रहे हैं, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो माइनस टू ए बी आपके पास बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टू ए, तो यहाँ पे बी लगाएंगे तो आपका माइनस टू ए बी होगा, और फिर आपने यहाँ पे भी आपने बी ही लगाना है, तो ये आपका b का स्केयर यानी a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस टू इंटू ए बी। इस तरह आपने थर्ड टर्म जो है वो फाइंड कर ली है, यानी तीसरी टर्म आप फॉर्मूले में इस तरह फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो फाइंड कर सकें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनस टू ए बी है, यानी ये आपका ए स्केयर है, ए स्केयर माइनस टू ए बी। अब मुझे कैसे पता चला या आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइनस टू ए बी है, वैसे पता चलेगा यहाँ पे पहली टर्म स्केयर में होती है और दूसरी टर्म जो है वो स्केयर में नहीं होती, वो माइनस टू ए बी, और तीसरी टर्म जो है फिर स्केयर की फॉर्म में होती है। अब गौर से देखें तो यहाँ पे ये स्केयर में लिखा हुआ है, ये स्केयर के बगैर है, अगर यहाँ पे पावर फोर होगी फिर ये भी स्केयर में होगा, ठीक है, लेकिन वो उस बात में जाने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे स्केयर नहीं होगा, माइनस टू ए बी होगा, तो ये आपका माइनस टू ए बी है, ठीक है, ये आपका माइनस टू ए बी है, यहाँ पे ए स्केयर है, और आपने बी स्केयर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, अब दोनों क्वेश्चन के आंसर पता चल गए कि एक तीसरी टर्म मिस है वो मैंने बता दी, और कौन सी टर्म मिस है, ये वाली मिस है, प्लस बी स्क्वायर आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। अब चलिए उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, यानी इसी क्वेश्चन को ले लें, अगर फॉर्मूले की शेप में लिखते हैं तो ये आपका आएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू फॉर्मूला वाला, ये ए लिखे आपके पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स, फिर आप बी लिखें, बी अभी बाद में लिखते हैं हमें पता नहीं है, प्लस बी का स्केयर, ठीक है, इसको भी खाली छोड़ देते हैं, ये आपके पास स्केयर आ गया। अब देखें यहां पे फोर है, यहां पे फोर है तो हम यहां पे टू है, अगर हम टू लगाएं, टू टू जर फोर, तो हमारा फोर ये वाला एक्स माइनस वन ओवर एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये इसकी बाद में बात करते हैं, ये टू लग गया यहाँ पे, तो ये फोर हमारा आ गया, ठीक है, अगर फॉर्मूले को शेप में कंप्लीट करें तो फोर हमारा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बात कंफ्यूज कर रही है और इरिटेट कर रही है, और बार बार आप क्वेश्चन भी करना चाह रहे होंगे कि हमारी इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो जो टर्म दरमियान में वही ये वाली टर्म बनती है, लेकिन अब यहाँ पे ये टर्म नहीं बन रही, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये साइन जो है इधर जो है माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, अगर इधर इधर प्लस है तो इधर ऑलरेडी प्लस है, लेकिन इधर क्योंकि माइनस है इधर भी हर सूरत माइनस होना चाहिए। इस साइन को आपने कन्वर्ट करना है, साइन को कैसे कन्वर्ट करने के इसके दो मेथड है, एक मेथड ये है कि यहां पे आप प्लस ले हैं, ठीक है, यहां पे आप प्लस ले हैं, ठीक है, या इसको आप माइनस कर दें, इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इधर भी माइनस आ जाएगा, यहां इसको प्लस करें, ठीक है, या इसको प्लस करें किसी मेथड से, या इसको माइनस करें, तो ये कैसे करेंगे, ये इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेथड के रूल अप्लाई करते हुए कुछ लेट करेंगे,
कुछ जो है अपनी तरफ से उसमें क्वेश्चन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमारा ये जो मसला आ रहा है साइन का मसला आ रहा है, इस साइन के मसले को अब सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट इसके बाद सॉल्व हो जाए। इसके बाद जो है अब इस क्वेश्चन वन के पार्ट सिक्स को अभी सॉल्व करते हैं। अब जो है हम पार्ट सिक्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया था कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, अब उन प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे माइनस से प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो मैथ के रूल्स जो हमने पढ़े हुए हैं हम अपनी मर्जी से इसको लेट कर सकते हैं, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू a, इसको मैंने लेट किया, सपोज किया, इसको हम चेंज करते हैं इसी तरीके जो साइन है इसका वो प्लस कर करके, या इसको किसी तरीके से मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी रख के किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड आसान लगे, आपके टीचर किसी दूसरे मेथड से करवाते हैं तो वो भी ठीक है, जो आपको आसान लगेगा उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो करते हैं लेट x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू a, यानी इसको मैंने लेट किया इज इक्वल टू a पुट कर लिया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया x माइनस वन ओवर x होल स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये वाला इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वहां पर जाके ये प्लस टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, इसको लाने का मकसद क्या है, इसको लाने का मकसद क्या है, ये क्यों मैं लेकर आया हूं, ये जब ये वाला स्टेप सॉल्व कर लूंगा तब मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। यहां पे रख के दोबारा क्वेश्चन को लिख लें, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, अब ये वाला जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये स्क्वायर का जो फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करते हैं, आप इसको ओपन करेंगे वही स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस वाला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जो कि मैंने किया अप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर। अब मैंने एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह ए लिख दिया है, ठीक है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह ए लिख दिया क्योंकि हम क्वेश्चन में एक्स माइनस वन ओवर एक्स को ए के इक्वल पुट कर चुके हैं, इसलिए मैंने अब माइनस फोर ए लिख दिया, यानी एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास प्लस टू बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए, ये वाला आ जाएगा। तो अब आपके पास ये प्लस टू है, इस प्लस टू को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, ठीक है, यहां पे ले जाता हूं, ये लिखे जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर ए। इसको मैं क्यों लेकर गया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर को मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूं, क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स की स्क्वायर की जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा आगे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू, जो कि हमने ये फाइंड की हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस टू, जो कि ये वाली वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है, प्लस टू ये वाला प्लस टू माइनस फोर ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस फोर ए और टू प्लस टू प्लस फोर, यानी यहाँ पे प्लस टू प्लस फोर होता है, इसको बाद में ले गया हूं और माइनस फोर को मैं पहले आया हूं, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। उम्मीद है यहां तक ये स्टेप समझ आ गए होंगे। अब दोबारा इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अभी तीसरी दफा ये मैं करने लगा हूं, एक दफा यहां पे किया है एक दफा यहां पे किया है और यही फार्मूला आप दोबारा यहां पे अप्लाई करने लगे हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, ए क्या आपका ए या बी आपका क्या टू, तो टू टू जर फोर माइनस फोर ए आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया माइनस फोर ए, यानी आपने फार्मूला यहां पे बिल्कुल ठीक लगाया। तो अब इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ए यहाँ पे माइनस है ए माइनस टू
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है a माइनस टू होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया है। अब क्योंकि नीचे जगह नहीं है, दो या तीन स्टेप रह गए इस क्वेश्चन के, तो मैं ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली जो साइड है रिमूव करके मैं इस क्वेश्चन को जो है दोबारा मुकम्मल करूंगा। जस्ट दो या तीन स्टेप रह गए, दो से तीन स्टेप में ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, रोक दें और ये क्वेश्चन को एक दफा जो है सारे को नोट डाउन कर लें, फिर वीडियो का जो अगला हिस्सा है उसमें जो बाकी क्वेश्चन है उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके दो तीन स्टेप रह गए, उनको अब अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा था अभी a माइनस टू होल स्केयर के ऊपर, ठीक है। अब बाकी जो इसके दो तीन स्टेप रह गए हैं उसको मुकम्मल करने के बाद अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं। a माइनस टू होल स्केयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू दोबारा क्वेश्चन में पुट कर देनी है जो कि हमने लेट की हुई थी। जब भी क्वेश्चन में स्टार्ट में लेट करते हैं कोई भी किसी के बराबर रखते हैं तो क्वेश्चन के आखिर में उसको दोबारा पुट करना होता है, यानी x माइनस वन ओवर x को a के इक्वल पुट किया था और a की जगह दोबारा जो है x माइनस वन ओवर x जो है मैं पुट करने लगा हूं। तो a की जगह x माइनस वन ओवर x पुट किया माइनस टू होल स्केयर, ठीक है, होल स्केयर आ गया। अब हमने क्योंकि स्केयर रूट लेना है इस क्वेश्चन में, स्केयर रूट लेना है तो ये मैंने स्केयर रूट लगा दिया क्योंकि जगह कम है। पहले मैं ये लिखता था इसके ऊपर स्केयर रूट लगाने के बाद, फिर इसके ऊपर लगाता था क्योंकि जगह कम है, तो ये इसके साथ पहले लिख लीजिएगा, साथ इसके ऊपर आपने स्केयर रूट लगा दिया। ये वाला जो स्केयर रूट है इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा, आप जानते हैं कि स्केयर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, तो यहां पे 1/2 लिखेंगे तो 1/2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 आपका आंसर है। ब्रैकेट अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो कर दें, क्योंकि लास्ट बुक के लास्ट पे जो आंसर है वहां पर उन्होंने ब्रैकेट ओपन नहीं की हुई, इसलिए मैंने इसको क्लोज ही रखा है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का यही आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ तीन हिस्सों में इसको बारी बारी सॉल्व किया है और मैंने डिटेल से एक एक स्टेप करवाया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फीडबैक इस क्वेश्चन का जरूर दीजिएगा कि आपको समझ आया, अच्छे तरीके से समझ आया या किसी किस्म का कोई मसला है किसी स्टेप में, तो अगर कोई मसला हुआ तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, उसको मैं जवाब देने की या उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। पार्ट 7 जो है पार्ट 6 से काफी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें जो तीन टर्म ऑलरेडी आपको दी हुई है, पहली टर्म भी मौजूद है और दूसरी टर्म भी मौजूद है और थर्ड टर्म भी इसकी मौजूद है। ये आपका ए स्क्वायर है माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर है। छोटी इसमें भी ट्रिक है या कंफ्यूजन है कि यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर होता है लेकिन जो 12 है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये छोटा सा काम यहाँ पे आपने करना है कि 12 को यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको किसी ना किसी के स्क्वायर जो है उसमें कन्वर्ट करना है। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर्स बन जाए। जो पहली टर्म जो है आपकी वो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको वैसे के वैसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर दें माइनस 4 इंटू ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप फार्मूला ओपन कर देंगे, फार्मूला जो है आप जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए और बी जो है आपका एक्स है और बी आपका 1 ओवर एक्स है प्लस 12 जो है वैसे का वैसा आप लिखा रहने दें। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को वैसे का वैसा लिखा रहने दें माइनस 4। अगर आप यहां पे देखें तो ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 12। ये आपके पास आ गया। अब यहां पे आपको 4 माइनस 4 बाय नजर आ रहा है तो माइनस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 को प्लस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 टू जार 8, फिर इसी माइनस 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी बाहर माइनस है अंदर साइन जो है जितने भी है उसने चेंज कर दिए हैं तो 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये वाला। अब जरा गौर से देखें आप, तो इस माइनस 8 को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे
तो प्लस माइनस 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 करेंगे 12 में से 8 जाएंगे तो आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा लगाना है। स्टेप में दोबारा समझा देता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा रहने दें, माइनस 4x स्क्वायर ये वाला, माइनस 4 ओवर x स्क्वायर ये वाला, और माइनस 8 प्लस 12, प्लस माइनस 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 करेंगे 12 में से 8 माइनस करेंगे प्लस का 4 आएगा। तो इस स्टेप को मैंने प्लस 4 लिख दिया है, प्लस 4 यहां पे नजर आ रहा है, ये जो हिस्सा आपको पोर्शन नजर आ रहा है थोड़ा सा आपको अजीब नजर आ रहा है, इसको भी मजीद सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 4 इधर भी है 4 इधर भी है, तो 4 को आपने कॉमन ले लेना है, x भी नजर आ रहा है लेकिन x को कॉमन नहीं लेना, हम 4 को ही सिर्फ कॉमन लेंगे, इसको लिखे x के प्लस 1 ओवर x के होल स्क्वायर माइनस 4 है, 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, बाहर माइनस भी है तो अंदर जो है वो साइन भी चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस का साइन आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आ गया, जिस तरह 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया था अब दोबारा 4 को जो है बाहर कॉमन ले लिया आपने और प्लस 4 आपके पास आ गया। इस सारा ये स्टेप करने का यहां तक ये है कि ये जो प्लस 12 आपको नजर आ रहा है ये यहां पे प्लस 4 आ गया, प्लस 4 के बारे में जानते हैं आपके, ये 2 का स्क्वायर है, ये वाली स्क्वायर में टर्म बन गई, यानी इस थर्ड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आने के लिए 4 से 5 स्टेप आपको करने पड़े हैं। यहां पे आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया था फिर बाहर 4 को कॉमन भी ले लिया, और यही चीज मैथ की खूबसूरती है, एक स्टेप आप कर रहे हैं उसके बाद दूसरा स्टेप उसको रिवर्स कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, यानी यहां पे अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया, अपनी मर्जी से माइनस कर दिया और सॉरी कॉमन ले लिया है, और ये अपनी मर्जी से जिस तरह क्वेश्चन आसान होता है मैथ के रूल को सामने रखते हुए जो हम स्टेप करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं मैथ के अंदर। अब ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ये आपका माइनस 2ab है, ठीक है, आप इसको फॉर्मूले के अंदर फिट करते हैं फिर देखते हैं ये कैसे आपको समझ आता है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 फॉर्मूले वाला, माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ये आपका a है, a के आपका x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और साथ b के है, b आपका ये है प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहां पे b की जगह 2 आएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये चीज बन रही है आपकी, अगर ये चीज बन रही है तो फार्मूला बिल्कुल आपका यहां पर ठीक है, फार्मूले की शेप में ये क्वेश्चन अब आ चुका है। अब इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज कैसे करेंगे, व्हाइट बोर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ आए तो ये आपका बनेगा a - b होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है दरमियान में तो ये आएगा a - b, यानी यहां पे माइनस नजर आ रहा है तो अपने माइनस का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a आपका क्या है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस ये 2 है, 2 आपका b है होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा यहां पे लिख दिया है, ये आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 और होल स्क्वायर, इस पे भी करके ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इधर भी लगाना था वो मैं भी दोबारा लगा देता हूं और यहां पे भी मैंने लगा दिया है, ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस, अगर स्क्वायर रूट कैंसिल होते तो यहां पे प्लस माइनस लिखना होता, अगर क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं आप लिख भी सकते हैं, अगर आपके टीचर कहते हैं कि ना भी लिखे तो इस अभी नहीं खैर है, लेकिन एक्सरसाइज 7 है यूनिट 7 है उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा और साथ में आपको बताया जाएगा ये क्यों ऐसे इसको लिखते हैं। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दे और माइनस 2 ये जो है इसका आंसर होगा, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट रहने देना, ये रिमूव होता भी नहीं और करना भी नहीं है, ये इसका जो स्क्वायर रूट है रिमूव होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 7 है ये भी हमने कर लिया, पार्ट 7 और पार्ट 6 दोनों सेम थे, एक मैंने लेदर मेथड से सॉल्व किया, एक मैंने थोड़ा मेथड चेंज किया जो मुझे आसान लगे, दोनों मेथड जो है डिफरेंट है, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पार्ट 6 में मेथड अप्लाई किया था वो भी मेथड यहां पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उससे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मैंने ये शॉर्ट करके आपको समझाया, दूसरा मेथड इसमें अप्लाई किया, दोनों मेथड का फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन ट्रिकी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे, फाइनली जो पार्ट 8 और पार्ट 9 जो है काफी आसान है, बड़ी जल्दी से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 8 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको तीन तीन टर्म नजर आ रही है, तो तीनों टर्म में आप देख सकते हैं पहला स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पहला स्क्वायर है तीसरा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सॉरी तीसरा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर वाला स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है वो फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तीन टर्म तो है लेकिन
तीनों पहली और आखिरी टर्म का स्केयर जो है वो नहीं है, तो हम इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 2x² आ जाएगा, प्लस 2x² आपके पास आ गया, मिडिल टर्म आपकी प्लस 3x है, दो नंबर ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो 3x भी आ जाए, तो ये आपके दो नंबर है प्लस x और प्लस 2x, प्लस के साइन है, सब में प्लस के साइन है, इसे साइन लगाने का इतना मसला नहीं इस क्वेश्चन में होगा, तो प्लस 3x की जगह हम प्लस x प्लस 2x लिखेंगे, ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं 3x², तो दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें 3x² आ जाए और प्लस करें या माइनस करें तो 4x भी आ जाए, ये प्लस x प्लस 3x है, इसके पेयरिंग भी बहुत आसान है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3। थर्ड है 6x², तो दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए, प्लस माइनस करें तो प्लस 5x भी आ जाए, वो भी प्लस 3x प्लस 2x है, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, मैंने लिख दिया आपको, इससे काफी जो है ब्लू कलर में ये भी है सब आज मिडिल टर्म में हमने ब्रेक की है। नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, चार टर्म इधर है, चार टर्म इधर है, सबकी चार चार टर्म है, पहली दो दो टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आपके पास x कॉमन आएगा, x प्लस 1 आएगा। एक और बात बता चलू, ये पेयर जो मैंने बनाए हैं इनमें से कोई भी पेयर पहले लिख सकते हैं और कोई भी पेयर बाद में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से x कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा x प्लस 1, और यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा x प्लस 1, दोनों सेम है, इससे मुराद आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। यहां से भी जो है आप x कॉमन लेंगे आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा, यहां से प्लस 3 कॉमन आएगा तो यहां भी x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 सेम है, आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। यहां से भी x कॉमन लेंगे x प्लस 3, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये भी दोनों सेम है, इससे मुराद है कि आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 बाहर कॉमन ले लेंगे अंदर आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे अंदर आ जाएगा x प्लस 3, यहां से x plus 3 कॉमन ले लेंगे अंदर आ जाएगा x plus 2। तो अब x plus 1 एक दफा ये है एक दफा ये है, इसको मैंने x plus 1 होल स्क्वायर कर दिया है, x plus 2 ये है और x plus 2 है, तो ये है दो दफा है, तो मैंने इसको x plus 2 का स्क्वायर कर दिया है, x plus 3 यहां पे मौजूद है यहां पे मौजूद है, तो मैंने x plus 3 का भी स्क्वायर कर दिया, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरह मैंने इनको कर दिया है। अब तीनों टर्म स्क्वायर में हैं तो इनके ऊपर इकट्ठा एक स्क्वायर लगा लेते हैं ताकि काम हमारा और ज्यादा आसान हो जाए। x plus 1, x plus 2, x plus 3 मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट में इकट्ठा इनके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब क्या करते हैं लास्ट स्टेप इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन को नीचे छोटा करके लिखा है, ये इतना जरूरी नहीं है, इसको बड़ा किया ताकि ये आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। तो ये पूरा क्वेश्चन लिया मैंने, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्वायर रूट डाला और इज इक्वल टू ये वाला जो चीज आई आपने, इसको मैंने यहां पे लिख दिया x plus 1 multiply by x plus 2 multiply by x plus 3 और ये 2 का स्केयर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बड़ा है इसको दो दफा कैंसिल का निशान लगा देते हैं, लेकिन एक दफा भी काफी है। ये कैसे कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू जानते हैं आप, इज इक्वल टू 1/2 होती है, ठीक है, तो 1/2 अगर यहां पे लिखेंगे तो 2/2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक और स्टेप आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां से इसको वैसे ही कैंसिल कर दिया। तो प्लस माइनस x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये प्लस माइनस लिखना चाहिए तो लिख लें, वरना ना भी लिखे तो खैर है, लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये लिखना जरूरी है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 सॉल्व करेंगे, जिस तरह का पार्ट 8 था बिल्कुल सेम पार्ट 9 भी वैसे ही, कोई इसमें बिल्कुल 1% का भी फर्क नहीं है। x² plus 8x plus 7 into 2x² minus x minus 3, 2x² plus 11x minus 21। अब इसमें स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, वही हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 7x² आ जाएगा, दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस 7x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो प्लस 8x आ जाए, ये प्लस x और प्लस 7 है, 7 1 और 7 x² और 7 plus 1 plus 8x, 2x² minus x minus 3, 3 2 6x square, दो नंबर ले मल्टीप्लाई करें 6x square आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस 1x भी आए, तो प्लस 2x minus 3x, 3 2 6x square, प्लस माइनस माइनस 6x square, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का x भी आ जाएगा। इन दोनों की पेयरिंग बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखी,
थोड़ी सी मुश्किल नहीं कह सकते, आपको नंबर बड़ा नजर आ रहा है इसलिए शायद मुश्किल लगे, इसको मैंने यहाँ पे कर दी है। माइनस 21 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42x² आ जाएगा। दो नंबर ले प्लस माइनस करें तो माइनस 42x² आ जाए, और यहाँ पर प्लस माइनस करें तो प्लस 11x भी आए। तो ये वाले दो नंबर है प्लस 14x माइनस 3x, तो 14 3 42 प्लस माइनस माइनस 42x² प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 11x भी आ जाएगा। ये मैंने इसकी दो पेयरिंग लिख दी है, इनको आपने प्लस 14x माइनस 3x लिख देना है, जिसको मर्जी पहले लिख लें, इससे कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। तो जो जो इनके पेयर है वो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिख दी है इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में चार टर्म में पहली दो टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर आखिरी दो टर्म को सॉल्व करते हैं। यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहां से प्लस 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 सेम है, इससे मुराद आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। यहां से 2x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 रह जाएगा अंदर, इसे माइनस 3 कॉमन आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज होगा, x प्लस 1 आएगा। ये दोनों भी x प्लस 1 सेम है, आपकी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। यहां से 2 भी कॉमन आएगा और साथ x भी कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 7, यहां से माइनस 3 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x प्लस 7, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 7 सेम है बिल्कुल, इससे मुराद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहां तक x प्लस 1 मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 7, यहां से x प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर आएगा 2x माइनस 3, यहां से x प्लस 7 कॉमन लिया, अंदर आएगा 2x माइनस 3। अब और से देखें, x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी है, मैंने x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, x प्लस 7 और x प्लस 7 दो दो पे x प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया, 2x माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सारी टर्म दो दो दफे है। अब इनको ब्रैकेट में करके सबके ऊपर स्क्वायर है तो सबके ऊपर इकट्ठा एक स्क्वायर मैंने डाल दिया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3, और ब्रैकेट क्लोज करके इकट्ठा सबके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब वही काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसने इसको आपने भी लिखना है, और नेक्स्ट इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे जो आपका आंसर आया है। यहां तक जो आंसर है x प्लस 1 इंटू x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3, कोशिश करेंगे इनको तरतीब से लिखें, तरतीब से ना भी लिखें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल और अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे, तो चेक करने वाले का दिल खुश होगा और आपको पूरे पूरे नंबर लाजमी देगा। तो ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3, इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 का आंसर आ जाएगा। और इस तरह आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी दो पार्ट सेम है और उसके अलावा छठा और सातवां जो है बिल्कुल सेम है। तो आपने 1 से लेकर 9 तक सारे पार्ट करवाए हैं, इनका फीडबैक जरूर दीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि जब तक आप पिछली एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नहीं करेंगे ये वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो अगर ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, उनकी बेसिक्स को समझें, ये कैसे सॉल्व हुए हैं, तब आपको मैथ अच्छी लगेगी और मैथ आगे जाके आपके लिए ईजी भी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ जो एक्सरसाइज जिसमें एक्सपर्ट 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।